तो है हमारा कल का जैसा देखा था हमने, नेगेटिव ज़्यादा आ गया क्या इस बार? तो इंडेक्सिंग तक कल देखा था, इंडेक्सिंग का आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिलेक्शंस भी देख लिया था, कंडीशनल सिलेक्शन भी आई थिंक हमने क्लियर कर लिया था, कंडीशनल सिलेक्शन है ना। तो कंडीशनल पे कोई डाउट नहीं था, लास्ट एंड एन और पढ़ा था ना सिलेक्शन में। यस तो इंडेक्सिंग देखते हैं थोड़ा सा मोर डिटेल्स। तो लेट्स से कि आपको अगर रीसेट करना हो, राइट, लाइक वी विल डिस्कस हियर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडेक्सिंग, लाइक रीसेटिंग द इंडेक्स और सेटिंग इट समथिंग एल्स। ओके, इंडेक्स हायरार्की, ठीक है। तो लेट्स सी कि अगर डीएफ का इंडेक्स रीसेट करना हो तो कैसे? अभी इंडेक्स का वैल्यूज क्या है हमारे पास? इंडेक्स क्या है? ए बी सी डी ई है, ठीक है। या वैल्यूज आप देखोगे तो यू विल गेट एन एरे, सॉरी, ये आपको दिखेगा एक एरे जो कि वैल्यूज कंसिस्ट करेगा किसके? इंडेक्स में नंबर के, ठीक है। तो लाइक इफ वी वांट टू रीसेट द इंडेक्स फ्रॉम 0 1 2 3 है ना, जो लाइक आप बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो इंडेक्स के आते हैं, तो इफ वी वांट टू रीसेट डिफॉल्ट 0 1, ठीक है, डॉट 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 जो भी इंडेक्स नंबर होता है, तो कैसे करेंगे? डीएफ डॉट रीसेट द इंडेक्स, जस्ट फंक्शन रन करोगे और इंडेक्स आपको दिखेगा, इंडेक्स कॉलम बन जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे सारे इंडेक्स आपके आ जाएंगे 0 to 4, ठीक है। अभी लेट्स से कि आपको न्यू इंडेक्स चाहिए, तो आपने दिया न्यू इंडेक्स, कुछ भी ऐसी नॉर्मली हमने एलिमेंट्स ले लिए और इनको स्प्लिट कर लेते हैं, तो एक लिस्ट क्रिएट हो गया अभी, तो ठीक है। तो अभी डीएफ ऑफ स्टेट्स दिया हमने और स्टेट्स पे हमने दे दिया न्यू इंडेक्स, तो डीएफ को चेक करोगे तो एक स्टेट्स कॉलम मिलेगा विद द न्यू इंडेक्स। अब इसको इंडेक्स पे कन्वर्ट करना है हमको, ये स्टेट्स जो भी दिख रहा है मुझे अभी, इसको इंडेक्स पे कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने क्या किया था? रीसेट इंडेक्स किया था, वी हैव डन रीसेट इंडेक्स, राइट। सो इफ यू वांट टू सेट द इंडेक्स नाउ, व्हाट यू नीड टू डू इज डीएफ डॉट सेट, एनीवन इज सेइंग समथिंग, सेट इंडेक्स क्या चाहिए? स्टेट्स चाहिए, तो वी कैन राइट स्टेट्स, स्टेट्स। तो डीएफ का स्टेट्स कॉलम को यू नीड टू सेट एज द इंडेक्स, आपने ऐसा सेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम? तो कल हमने पढ़ा था कि इन प्लेस का क्या रोल होता है, राइट। सो अगेन इफ यू चेक डीएफ, यू विल गेट दैट डीएफ इज हैविंग द सेम वैल्यू एज प्रीवियस, राइट, विल नॉट गेट दीज वैल्यूज। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन प्लेस करना पड़ेगा डीएफ डॉट सेट इंडेक्स टू व्हाट स्टेट्स, जो कॉलम आपके पास है आप उससे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेट इंडेक्स इन प्लेस हमने दे दिया ट्रू, ठीक है। अभी ऑपरेशन हो गया तो आउटपुट नहीं मिलेगा, डीएफ आप चेक करोगे तो अभी स्टेट्स अपडेट हो चुका, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑपरेशंस देखेंगे और मल्टी इंडेक्सिंग हायरार्की है, ठीक है। तो पहले ऑपरेशंस देख लेंगे फिर मल्टी इंडेक्सिंग पे जाएंगे लास्ट पर, ठीक है। अभी ऑपरेशंस देखते हैं।
So there are a lot of operations with pandas that will be really helpful with data sets. Okay. So we'll create some data set here and then we'll work accordingly. So df new create karenge abhi. ठीक है दे दिया तो अभी क्या क्रिएट हुआ एक df आप df को चेक करोगे df डॉट अभी देखो df के कितने एलिमेंट्स हमने क्रिएट किए देखो बाय df अगर डिफॉल्ट चेक करते हो तो df में जितने भी रोज होते हैं या df का शेप जो भी हो कितने भी नंबर ऑफ रोज और कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो ठीक है तो व्हाट यू गेट अगर आप df लिखते हो तो अगर लेट्स से कि आपके पास कुछ मोर देन 100 रोज हैं या मोर देन 10 रोज हैं 20 रोज हैं या 50 रोज हैं है ना तो आपको सारे रोज प्रिंट होके नहीं आते अगर यू से कि आपके पास एक डेटा सेट है वेयर यू आर हैविंग मोर देन 500 रोज तो सारे रोज इस तरफ प्रिंट नहीं होंगे पूरा डेटा सेट आपके पास इस तरह का प्रिंट नहीं होगा राइट फर्स्ट 5 वैल्यूज आपको दिखेंगे देन यू विल गेट अ डॉट 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 लाइन एंड अगेन द लास्ट 5 वैल्यूज यू विल सी डायरेक्टली ठीक है देखेंगे उसको कैसा आता है फिलहाल यू आर हैविंग फोर कॉलम्स हियर फिर भी आई एम यूजिंग हेड तो व्हाट हेड डज हेड डिस्प्ले यू द फर्स्ट 5 रोज ऑफ योर कॉलम सॉरी ऑफ योर डेटा सेट ऑफ योर डेटा फ्रेम तो हेड पे देख तो ये आएगा राइट कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हैविंग वैल्यूज तो अभी विल लुक ऑन टू इन्फो ऑन यूनिक values ठीक है तो लेट्स से तो लेट्स से कि df का यूनिक वैल्यूज देखना है राइट एक पर्टिकुलर कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज हैं एरे का यूज जैसे किया था सेम वैसे ही करना है कॉलम 2 डॉट यूनिक You can press tab and it will work. नहीं चल रहा तो you can write. ठीक है? तो unique क्या बता रहा है कि 444555666, right? क्योंकि हमने एक बोल सकते हो element और भी use किया है जो कि same है, right? तो unique आपको कितना मिल गया? 444555666 ठीक है? चलो df कॉलम 2 में सेम चेक करना है तो कॉलम 2 के अभी विल यूज n यूनिक ठीक है तो नाम कितने नंबर्स हैं जो यूनिक है अंडरस्टैंड राइट यूनिक पे अभी आपको क्या दिखा कि व्हाट आर द नंबर्स इफ यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी आर द नंबर्स द n यूनिक विल वर्क तो 3 नंबर्स आर यूनिक देयर कोई दिक्कत अभी लेट्स से कि एक पर्टिकुलर नंबर इफ रिपीटेशंस आर देयर यूनिक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वी कैन सी फॉर एनी कॉलम्स वी कैन सी दैट एक कॉलम पे वैल्यूज कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इटरेट हो रही हैं या कितने बार सेम वैल्यू प्रिंट हुआ है कैसे चेक करोगे डॉट वैल्यू काउंट्स तो क्या बताया कि 444 जो है कॉलम 2 पे 2 टाइम्स है 555 1 है और 6 1 है और नेम आ गया कॉलम 2 एनी प्रॉब्लम्स यूनिक वैल्यूज पे कोई प्रॉब्लम है क्या
सर हाँ हेलो सर, हाँ हमको एक से ज्यादा कॉलम में फाइंड करना हो कि कौन सा यूनिट है और उसका काउंट कितना है, तो सर वो कैसे करेंगे? थोड़ा सा जैसे कि हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, जैसे कि अपन ने यहाँ पे कॉलम टू लिया है, ठीक है, तो वो एक कॉलम हो, अपन को तीन चार कॉलम में एक साथ करना हो तो वो कैसे करेंगे? हाँ, तो आप पूरे डेटा सेट पे जैसे तीन चार कॉलम, हमारे पास कितने कॉलम्स हैं? थ्री हैं, थ्री ठीक है। चलो तो अभी तुम कह रहे हो कि मुझे एक से ज्यादा कॉलम पे यूनिक चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया सर कि कॉलम टू कॉलम वन, अब मुझे ऐसा देखना है कि यूनिक इस पे शो करता है कि नहीं, ऐसा यस ठीक है। तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसा। तो देखो प्रॉब्लम क्या दिखा रहा आपको कि डेटा फ्रेम, अरे कहाँ गया दिखाना यार। अच्छा 2D बनाया था, तो यूनिक फंक्शन नंपाई में पढ़ा है क्या यूज करता है यूनिक फंक्शन? नंपाई में हमने पढ़ा है ना, नंपाई के कोई भी एक एरे अगर क्रिएट करते हैं यस ऐसा 1 1 1 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ क्रिएट कर लिए, ठीक है। इसका यूनिक चेक करके तो ऐसा बताते हैं क्या नंपाई एरे इज नो। अच्छा, हाँ एक np डॉट यूनिक है ना। ये अभी यूनिक नंबर आपको बताया। अभी लेट्स से कि एक 2D डायमेंशन क्रिएट किया, d2 इक्वल np डॉट एरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, और यहाँ पे मैंने 3 दे दिया। अब मुझे बताओ कि np डॉट यूनिक ऑफ d2, तो 1 2 3 4 5 6 समझ आया क्या हुआ? तो ओके पर्टिकुलरली यस पर्टिकुलरली आप क्या करते हो कि सारे सारे कॉलम्स को आप मर्ज करके एक साथ डेटा निकालोगे। या मान लो कि हमारे पास कोई, याद करो हमने जब गूगल कोड्स बनाया था, ठीक है, जब जी कोड्स फॉर्म किया था, देखे हो कि नहीं वाला कोड तुमने, हाँ तो उस पर हमने क्या किया था, एक साथ साइमल्टेनियसली क्या किया था, बहुत सारे कोड्स हमने क्रिएट किए थे, ठीक है। उसके क्लियर बाद क्रिएट करने के बाद भी हमने क्या किया, उस पे यूनिक फंक्शन लगा के चेक किया कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू जो है सेम है, ठीक है। सेम तो ये यूनिक फंक्शन कैसे काम करता है, अगर आप डेटा फ्रेम पर लगा दिए, ठीक है, डेटा फ्रेम पर किसी एक वैल्यू पर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक एरे पे वर्क करता है, ठीक है। तो आप मल्टीपल अगर चाहते हो कि मल्टीपल क्या कहते हैं उसको, कॉलम्स के आपके यूनिक फंक्शंस चाहिए, तो आप उसको एरे में कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो। पर सर मेरा क्या कहना है कि जैसे कि अपन ने 50 कॉलम का डेटा है मेरे पास, 50 से 100 कॉलम का डेटा, अब मुझे सिर्फ 2 नंबर की 6 नंबर की और 7 नंबर की जो कॉलम है उसको ही कंपेयर करके यूनिक वैल्यू निकालनी हो तो वो हाँ पॉसिबल हाँ है हाँ इसमें? हाँ एक मिनट दोबारा रिपीट करोगे क्या? जैसे कि मेरे पास है 50 कॉलम का डेटा है, हाँ 50 कॉलम्स का, हाँ ठीक है उसमें से मुझे सिर्फ कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 की जो भी डेटा है मेरे पास उसमें से कौन सा यूनिक है और कौन सा सेम है, तो ऐसा कोई फंक्शन है कि मुझे उसको एरे में ना कन्वर्ट करके डायरेक्टली कुछ हो देखो, सके उसका? तो तुमको मान लो तुम जैसा कह रहे हो कि कॉलम टू और कॉलम इधर तो कुछ है नहीं दिखने का, तो कॉलम टू और कॉलम थ्री में अगर मान लो तुमको यूनिक वैल्यूज देखने हैं, ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि आपको एरे में ऐसा कन्वर्शन, तो एरे में कन्वर्शन नहीं करने, तो आप क्या कर, आपने लिखा कि कॉलम नेम्स आपके क्या है, तो कॉलम नेम कौन कौन से चाहिए आपको? df का क्या 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 था कॉलम आपका? टू कॉलम टू और कॉलम थ्री, और कॉलम थ्री ठीक है। तो आपको क्या बोला मैंने, क्या करना है आपको, इसके वैल्यूज चेक करना पहले। तो एक सेकेंड, तो कॉल नेम्स क्या दिखा रहे हैं आपको, ये सारे वैल्यूज, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये वैल्यूज जो भी आया है उसका रावल करना, रावल पढ़ा हमने क्या करता है ना। तो अभी हमको क्या निकालना है, यूनिक निकालना है, तो यूनिक वैल्यूज हमको क्या निकाल के देगा, pd डॉट यूनिक फंक्शन, ठीक है। यूनिक ऑफ किसका, कॉलम, ठीक
कॉलम टू और कॉलम थ्री, कॉलम नेम्स, ओके कॉलम नेम्स, ठीक है। तो यूनिक नेम्स आपको निकाल कर देगा वैल्यूज, तो यूनिक फंक्शन बताएगा कि ये सारे यूनिक नंबर्स हैं, 444 ABC 555 DEF 666 GSI और XYZ, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, या आप NP लगा सकते हो, numpy array का भी आप यूज कर सकते हो निकालने के लिए, ठीक है। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको टू डायमेंशन पे तो नहीं आएगा, आपको एरे में कन्वर्जन करने पड़ेंगे, या आप डायरेक्ट ट्रैवल कर लो या यहाँ पर numpy डॉट एरे लगा के करो, ठीक है। क्लियर है अभी? यस सर। तो हम कहाँ पर थे, सिलेक्टिंग डेटा पर। तो डेटा सिलेक्ट करते हैं, तो लेट्स से इफ वी सिलेक्ट, कहाँ गया हमारा डीएफ, एक सेकंड लेकर आपसे पहले। हाँ, तो यहाँ से मल्टीपल कॉलम से अगर डेटा सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था कि किसी एक कॉलम से ग्रेटर चेक करना हो या किसी एक कॉलम के इक्वल्स टू चेक करना हो, कैसे चेक करेंगे? तो एक न्यू डीएफ फॉर्म करेंगे जिसमें हम डेटा फ्रेम अभी इंडेक्स करके फाइंड आउट करेंगे कि लेट्स से अगर मैंने कहा कि डीएफ ऑफ कॉलम वन में मुझे देखने वैल्यूज जो कि ग्रेटर हैं टू से, ठीक है, जो वैल्यूज जो ग्रेटर है टू से, तो कौन कौन से आएंगे वैल्यूज, सेकेंड और थर्ड वाले आएंगे ना, सिर्फ ये आपका थर्ड रो और फोर्थ रो आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कल जो हमने किया था वही करेंगे, एंड एंड और का यूज करेंगे। तो मैंने एंड लगाकर एक और कंडीशन दे देता हूँ, जैसे लेट्स से कि मैंने दे दिया कॉल टू विल बी इक्वल टू 444, अब कॉल टू फोर होना चाहिए। कंडीशन क्या हो गया कि टू से ग्रेटर भी होना चाहिए और कॉल टू का वैल्यू कितना होना चाहिए, फोर। तो अभी एकदम सिंपल सा है, आंसर पता होगा आपको, कौन सा रो आएगा, लास्ट रो आएगा, फोर्थ वन, ठीक है। तो लास्ट रो जो है आपको वो फाइंड आउट होके आ गया कि 444, ये टू से भी बड़ा है और इसके कॉल टू का वैल्यू भी 4 के इक्वल है, ठीक है। चल, फंक्शन कैसे अप्लाई कलम ने देखा था कहीं पे कि अप्लाई वर्ड कहीं देखा था, ठीक है, अप्लाइंग फंक्शंस कैसे काम करते हैं। पांडास में यू हैव एन अप्लाई फंक्शन, कैसे काम करेगा देखते हैं। चल, तो एक फंक्शन क्रिएट किया, टू टाइम्स का फंक्शन ऐसे कि किसी भी नंबर को डबल कर देगा, उसका टाइम देकर कर दिया रिटर्न पर्टिकुलर एक्स को मल्टीप्लाइड बाई टू करके आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा फंक्शन है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डीएफ ऑफ कॉल वन, डीएफ ऑफ कॉल वन में इफ आई से कि अप्लाई, तो अप्लाई कर दिया मैंने क्या टाइम्स टू, तो क्या होगा, df of call 1 के वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 क्या वैल्यूज आएंगे अभी अप्लाई करेंगे बाद, 2 4 6 8, कोई डाउट है? अगर मैंने कहा कि df of call 1 या call 3, ठीक है, call 3 पे अप्लाई किया मैंने लेंथ, तो सारे वैल्यूज जो है वो सेम आएंगे, आएंगे क्यों, क्योंकि लेंथ कितना है आपका 3 है, कॉलम 3 के कंप्लीट लेंथ कितना है 3, तो यू विल गेट 3 एवरीवेयर। अब हमने कहा कि df ऑफ कॉल 1 डॉट सम, ठीक है, तो आया 10। अभी सम कैसे यूज करते हैं देखो, अभी एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल निकालते हैं कि एक डेटा फ्रेम के रिस्पेक्टिव में आप स्टूडेंट्स का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद करो हमने एक शायद प्रोग्राम किया होगा पाइथन पे, ठीक है। खैर अभी लेट्स से वी टुक सम सब्जेक्ट्स, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, will have subjects as physics, chemistry and maths, okay, then we took
just a minute, subjects, and then like let's say A, student A, SA. Student A, let's say we have marks as 98, 76, and just a minute. तो ये सारे स्टूडेंट के वैल्यूज आ गए आपके पास, ठीक है। अभी विल टेक इट इन अ डिक्शनरी, ठीक है। तो विल मेक सब्जेक्ट्स या पीटी करके डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम दे देंगे कि सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों के ये हैं सब, ठीक है। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए का वैल्यू होगा ऐसे, स्टूडेंट बी का वैल्यू होगा एस बी, स्टूडेंट सी का एस सी, स्टूडेंट डी का एस डी, ठीक है। चलो और एक टोटल, चलो टोटल उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अभी इतना मैं छोड़ दे रहे, टास्क है अब, ठीक है, टास्क करते हैं इसको। तो डी टी एस या डी एफ ऑफ स्टूडेंट्स करके हम बना लेते हैं, पी डी डॉट, देखते हैं कि हमने जितना अभी तक पढ़ा है आप लोगों ने हाउ मच यू कैन अप्लाई। तो इंडेक्स मैं ना रोल्स दे देता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स को दे देते हैं 101, 102, 103, 104। ठीक है, तो डीएफएस चेक करोगे तो विल गेट ये सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स ए है, स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी है, स्टूडेंट डी है। तो ये डी एफ आ गया आपके पास कि ये सब्जेक्ट्स आ गए, ये स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, और आप इसका ट्रांसपोज करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स ये सारे हो गए, स्टूडेंट ए के ये मार्क्स हो गए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, ओके। तो हमको सबसे पहला काम क्या है कि वी नीड टू कैलकुलेट कि हर स्टूडेंट का टोटल कितना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ, हर स्टूडेंट का टोटल मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे करूँगा? सम का फॉर्मूला।
सम कह रहे हो क्या? देखो df डॉट अगर मैंने लिखा अप्लाई और सीधा लिख दिया क्या सम ऐसा, अभी अप्लाई फंक्शन जो पढ़ रहे थे अप्लाई करके मैंने लिख दिया सीधा सम। अच्छा एक मिनट, या एक न्यू कॉलम भी क्रिएट कर लेते हैं टोटल, तो सम क्रिएट किया डीएफएस का तो क्या मिला आपको कि स्टूडेंट ए का सम कितना 199, स्टूडेंट बी का 242, सी का 204, डी का 185। कोई डाउट है क्या किसी को? ऐसा करके आ रहा है तो एक बार चेक करके देखो सही आ रहा है क्या, 774 और 598614, हाँ तो सही आ रहा है, चेक करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फोर्टी फाइव है, 87 है और 67 है, हाँ करेक्ट है। तो स्टूडेंट ए का मार्क्स इस तरह से आया, स्टूडेंट बी का ऐसे आया, सी का ऐसा और डी का ऐसा, किसी को कोई डाउट है? अब आपने बोला x इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी वन। अब क्या हो गया, 101 में पता चल रहा है कि फिजिक्स में टोटल मार्क्स बच्चों ने जो ऑप्टेन किया वो है 319, तो चार बच्चों का मिला के फिजिक्स का 400 में से स्कोर कितना हो रहा है 319, केमिस्ट्री में 273 और मैथमेटिक्स में 238। कोई प्रॉब्लम? तो अगर हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो x इज वन एंड x इज जीरो, ये कल भी पढ़ा था हमने, कोई प्रॉब्लम है क्या इस पे? तो बाय डिफॉल्ट किस में आया था आपको, कॉलम वाइज, जैसा भी मैंने बताया था, नंपाई हो या डेटा फ्रेम हो या पैंडास, जो भी आप पढ़ रहे हो बाय डिफॉल्ट आपको आएगा कॉलम वाइज। सर डीएफएस लिखा हुआ है? हाँ डीएफएस मतलब ये नया डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया ना, उसका नाम है डीएफएस। ओके ठीक है, तो अभी हमने कहा कि df ऑफ टोटल अगर निकालना हो तो टोटल मार्क्स ऐसा लिख दिया, तो कैसे निकालेंगे बताओ, dfs डॉट सम है ना, ऐसा क्रिएट करके अगर रन करते हैं तो df, अरे सॉरी सॉरी dfs में आना चाहिए ना, df का टोटल मार्क्स, तो df में चेंजेस क्या आया देखो, देखने दो तो ये ऐसा आएगा ना, क्योंकि एडिशन तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आप डिलीट कर सकते हो, परमानेंट डिलीटिंग करना है ना, तो डिलीट डीएफ का कौन सा कॉलम, टोटल मार्क्स ना, ऐसा डाल के हटा दो, अब डीएफ में नहीं दिखेगा वो, ठीक है। हमको डीएफएस में चाहिए टोटल मार्क्स इक्वल्स टू डीएफएस ऑफ सम, ये रन किया हमने और डीएफएस अभी हमको दिखेगा टोटल मार्क्स। अब ये नैन में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा एक्स इज इक्वल्स जीरो, टोटल मार्क्स अकॉर्डिंगली तो वो तो कॉलम के रेस्पेक्टिव में दिखाना ठीक है। ओके हाँ ठीक है, टी एफ डॉट आई लॉक ऑफ 1, 2, 3 and 4 का सम एक्सेस जीरो पर, उससे कॉलम पोजिशन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड
सिंह नाहरा, ठीक है ठीक है। डीएफ लग गया क्या? अरे यार इतने एरर सर है। कोई कमेंट इज नॉट अ मार्क, ठीक है सीरीज तो उसको अवॉइड करना है ना। डीएफएस का स्टूडेंट ए से लेकर सब कुछ का सम, अरे सब्जेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है ना, ठीक है इसका उपाय करते हैं थोड़ा। इसको इंडेक्स नंबर बना तो इसका उपाय हो जाएगा, है ना। इसको इंडेक्स सेट कर देते हैं तो अपना प्रॉब्लम हट जाएगा, काफी देर से परेशान कर रहा है, तो इसको इंडेक्स ही बना देते हैं। सब्जेक्ट देखा रिजल्ट्स नहीं दे रहा हमको, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसको डील कर लेते हैं। अब सही है, अभी भी नया नाना आएगा क्या? अरे हाँ, dfs.sum आ रहा है वैल्यूज। हाँ ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, टाइप क्या है इसका? सीरीज आ रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? dfs डॉट कौन सा है ये, सम आ रहा है ना, ओ सीरीज दे रहा है। फेस डॉट सम लगाया, वैल्यूज यू रिसीव, इन वैल्यूज को तो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आ रहा है क्या? इन नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री और नंबर फोर, तो टोटल इज हाउ मेनी नाइन।
सब्जेक्ट्स का एक साइड और इधर स्टूडेंट्स का, अभी डीएफएस का सम क्या आएगा? The excess will not change to assign. So, now I think it's to add karna chahiye. तो डी एफ एस का टोटल डिलीट कर देंगे यहाँ से. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दो मिनट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक बार चेकआउट करते हैं. डी एफ एस का टोटल को डिलीट करते हैं. ठीक है, अभी कॉलम्स हैं, वैल्यूज हैं, अब तो 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं. पहले तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, अभी स्टेट के अकॉर्डिंग आ रहा है. अभी ऐसा था, अभी भी ऐसा ही है. ठीक है, तो डी एफ एस का ट्रांसपोज करो, तो इस तरह का आया. अब तो वैल्यू आने चाहिए. थ्री फिल्डी कॉलम वाइज वैल्यूज हैं, तो एक्सिस इक्वल्स 1 पे अपने को सही वैल्यू आ रहा है. ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि क्या कैसे ऐड करते हैं, रोज कैसे ऐड करते हैं. याद है किसी को रोज कैसे ऐड करते हैं? तो बता पाएगा क्योंकि बताओ जल्दी रोज कैसे ऐड करते हैं. कॉलम्स का तो डॉट लगाकर कर दिया, रोज ऐड करने हो तो कैसे करना पड़ेगा? आईलॉग से. हाँ, आईलॉग से इंडेक्सिंग करते हैं. ऐड कैसे करेंगे रोज? देखो, हमने नंपाई में पढ़ा है, सीरीज में भी पढ़ा है, सेम चीज. ये अपेंड का फंक्शन पढ़ा है ना, काम करो. नहीं तो सिंपल, अगर अप्लाई नहीं हो रहा ना तो एक काम कर सकते हैं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे और उसको उसमें अपेंड कर देते हैं. सबसे अच्छा DFS DFT कर देते हैं. PD डॉट डेटा फ्रेम, और हमको वैल्यूज कितने मिल रहे हैं, क्या क्या दिख रहे हैं हमको? 199 242, या जो भी वैल्यूज आपको सीरीज का वैल्यू मिल रहा है. जो इसके वैल्यूज क्यों नहीं आ रहे, एक मिनट रुको. ये तो आया, ये तब से रन कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये आ गया. ठीक है, इसको ऐसे हमने रख दिया कि दिस इज द डेटा फ्रेम, और अभी रन करेंगे. एरर नहीं आ गया. DFT एक डेटा फ्रेम दिख रहा है. हाँ, कॉलम का नाम भी हम दे देते हैं, कि कॉलम का नेम होगा क्रिएट कर देते हैं लिस्ट ऑफ, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा. चेक कर लेते हैं, तो हम देंगे टोटल. हाँ, तो लिस्ट लगा दो, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि डेटा फ्रेम है तो सिंगल कांट मेक इट. अभी भी प्रॉब्लम है क्या? क्या दिक्कत है? सम ऑफ द पास फेल इज 4x1 एम्प्लाई शेप ऑफ द पास वैल्यू इज 4x1. Indices implies 4x5. कहाँ पे? अच्छा, DFT sum columns transpose लिया है क्या? नहीं तो. अच्छा, ठीक है. Yes, है DFT. ठीक है, इसका transpose will look like this. 0, 1, 2, 3. अच्छा, ये यही problem दे रहा था.
अभी आप क्या करोगे, आप इसको मर्ज कर सकते हो किसके साथ, वो चार वैल्यूज के साथ। ये कुछ गड़बड़ वैल्यू आया क्या, 0123? नहीं सही तो है। तो 0123 नॉर्मल डीएफएस का ट्रांसपोज देखोगे डीएफएस डॉट टी, तो इनके साथ हम इसको अपेंड कर सकते हैं, है ना? कर सकते कि नहीं? अगर मैं लिखूं डीएफ और इसका इंडेक्स जो होगा, इंडेक्स को अगर मैं लेबलिंग कर दूं इंडेक्स पे, यहाँ लेकर इंडेक्स वैल्यू है ना, ट्रांसपोज तो नहीं है, तो इंडेक्स पे मैं सेम क्या दिया था इधर 101 102, इधर क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना, यही नहीं डाल सकते इसको। डीएफएस में अपेंड करेंगे डीएफटी को, तो विल इट वर्क? नहीं आई थिंक नहीं करेगा। वैल्यूज आए तो हैं बट एक न्यू कॉलम के साथ आया है। इसको सॉल्व बिना किया तो एंड नहीं करेंगे। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी, इन सबका टोटल राइट हैंड साइड पे। हाँ हाँ आई थिंक डीएफटी डॉट टी है ना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करना है ना। एक मिनट किधर गया, डीएफटी डॉट टी है। हाँ डीएफटी डॉट टी है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। वैल्यूज तो नया आएगा, 2 मिनट पर कुछ, ये पूरा 3 मिनट्स आई थिंक ले लिया एकदम से। रुक जाओ लेट मी सी। सर अपन लॉग कीवर्ड से एक न्यू रो ऐड करके और जो इनका इंडेक्स नंबर है हाँ। ये ऊपर वाले नहीं, जो इधर वाले इंडेक्स नंबर है जैसे 0 1 2 3, उसको लेके नहीं कर सकते क्या ऐड? एक बार ट्राई कर सकते हैं लॉक मेथड यूज करके। लॉक मेथड यूज करके एक और टोटल रो अपन इसमें अपेंड कर देते हैं हाँ। और फिर जो ये पहले वाला जो डीएफ था अरे अपना एक्चुअली ना, जिसमें एक्चुअली देखो होता ये कि इधर साइड में एक न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं और उसके सारे वैल्यूज को ऐड करके इधर पे पेस्ट कर देते हैं। पता नहीं ये तब से इस पे अप्लाई कर रहे हो नहीं ना। एक बार लास्ट मैं ट्राई मारता हूँ इसको, डीएफ को कहाँ है ये, किधर है? नहीं अरे डीएफएस किधर है, हाँ इसका ट्रांसपोज जैसा था इसको वैसे ही रहने देता हूँ मैं, या डीएफएस जैसा हमने क्रिएट किया था वैसे ही करके छोड़ देता हूँ। एक सेकेंड किधर गया, हाँ ये जैसा क्रिएटेड था इसको वैसे ही रहने देते। एक बार इस पर वापस से 2 मिनट। डी एफ एस ठीक है, हमको मिल रहा है अगर अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने से आपको एरर दिया था क्या, एक्सेस के साइन का एरर दिया? अगर ऐसा लिख रहे हैं कि एक डेटा फ्रेम चाहिए, डी एफ डॉट अप्लाई, डी एफ एस डॉट अप्लाई, और अप्लाई किया था हमने मान लो एम पी डॉट सम निकालते हैं ठीक है, और कौन से एक्सेस पे निकालना है, 0 पे, तो कोई दिक्कत ऐसा आंसर आ रहा था। सब्जेक्ट्स का भी हो गया एडिशन, अब इसका भी आ गया ठीक है। अभी इनको डेटा फ्रेम के अकॉर्डिंगली ला कर एक एंड करना है, तो डी एफ एस बहुत अच्छा। इसको सॉल्व बिना किए तो एंड नहीं करूँगा, मतलब डी एफ एस अप्लाई फंक्शन सम एक्स इज 0 आंसर आया सीरीज में ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स के वैल्यू आ रहे हैं ना, तो इनका वैल्यूज कहाँ गया है, ये वैल्यूज आया है ठीक है। तो 4 वैल्यूज आ रहे करस्पॉन्डिंग टू, तो वी कैन ऐड दिस कि डीएफ ऑफ टोटल, एक न्यू कॉलम क्रिएट होगा जिसके वैल्यूज
अच्छा कॉलम के वैल्यूज लेकिन आप ऐड करोगे ना तो फोर वैल्यूज जो दिख रहे मुझे 1 2 3 4 वैल्यूज, तो वो फोर वैल्यूज ऐड होंगे, लेकिन हमारे पास रोज 3 हैं कॉलम्स 4 हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स जो है इसके अकॉर्डिंगली ऐड होकर आ रहा है ना। तो अगर हम ऐसा ऐड करना चाहें कि यहाँ टोटल दे, तो ये इसलिए मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम दे रहा है कि हम यहाँ टोटल लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इधर के एडिशंस को यहाँ पर ऐड करना है, ऐसा वैल्यूज आ रहा है। तो ठीक है करते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। डी एफ डॉट अब इसको क्या हो गया सी एफ एस डॉट डी एफ एस को अगर मैं एक सेकंड को रेंजिंग सेलेक्ट करते हैं, तुम लोग ट्राई कर रहे हो क्या, थोड़ा देखो तो प्रॉब्लम किधर आ रहा है। बार ट्राई करके देखो होता है क्या, आई थिंक रेंजेस तो वर्क करना चाहिए, वो भी डबल डायमेंशन में चलेगा। हाँ ठीक है चल, कुछ तो किया, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी ऐसा दिख रहा है ना, स्टूडेंट बी ये इंडेक्सिंग तो कर रहा था उस वक्त, स्टूडेंट सी तो ये, हाँ बस यही तो चाहिए, तो तब से परेशान करके रखा है। तो इस पे डॉट सम फंक्शन लगाया था तो ए आई आंसर तो आ रहा है तब से, बहुत तो एक मिनट रुको, हमने मुझे लग रहा है ना हमने ना डेटा फ्रेम गलत बनाया, थोड़ा सब्जेक्ट्स को ना इस साइड होने चाहिए थे और स्टूडेंट्स इधर होने चाहिए थे, मतलब ऐसा जैसा ट्रांसपोज में दिख रहा है ना, सब्जेक्ट्स इधर होने चाहिए थे, इधर पे सब्जेक्ट्स जैसे हैं और स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए। तो इस पे अगर सम क्रिएट कर रहे थे तो एक्सेस वन पे इधर आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो और उनके वैल्यूज भी डाल सकते हो, बिल्कुल हाँ बन जाएगा, ये तो हो गया। तो डी एफ एस का अगर ट्रांसपोज किया है DFS equals to DFS dot tree transpose हो गया, अभी DFS में हमने डाला total और total के बाद ये लगाया value, इनके values copy ये तो add होने चाहिए, एक array होगा और DFS का total I think work करना चाहिए, बता रहे हैं length of value 3 does not match length of index 5 d, वापस से ट्रांसपोज कर रहा हूं, length of value 3 ठीक है dfs dot t एक ट्रांसपोज है, तो यहाँ ट्रांसपोज नहीं करेंगे फिर, आई होप इस पर आना हो आंसर, यस आई थिंक सही आया क्या आंसर 45 17 14, हाँ ठीक है चलो सही आया। ये उस वक्त कहाँ चला गया था यार, तब से कितने देर हो गए, 20 मिनट्स हो गए आई थिंक, ये कि पीछे पड़े, समझ में आया क्या, बड़ा दिक्कत दे रहा था, हो गया फाइनली, यही चीज़ ट्राई कर रहे थे, ये आई नहीं रहा तब से, पता नहीं क्या हो गया इसको, कॉलम ऐड करके एक्चुअली ना डेटा फ्रेम थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, क्योंकि हम वैल्यूज ऐड करने हमको 3 और रोज हमारे हो गए थे 4, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसमें। तो ये आपने क्या किया, आपने लगाया एक नया कॉलम और आपने सम लगा दिया एक्सेस वन पे और इसके सारे वैल्यूज, अभी वैल्यूज नहीं डालते तो, लेकिन ये तो हमने पहले भी किया ना, ट्रांसपोज करके वैल्यू ऐड कर रहे थे, क्या एरर आ रहा था पता नहीं, तो ये आ गया। अभी आप इस प्लेस को खाली कर सकते हो इंडेक्स करके, आप उसको
ये पाई के मैट जो है ये पर्टिकुलरली ये सारे स्ट्रिंग्स का कंबाइन कॉन्कैटिनेशन हुआ है बस और कुछ नहीं, और ये सारे वैल्यूज मिल गए। ठीक है चलो आगे देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं पहले, इसके बाद का टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो अप्लाई फंक्शन समझ में आया ना, सम कैसे निकालते हैं। ठीक है किसी भी कॉलम को रिमूव करना हो या कॉलम देखने कितने कॉलम्स हैं, तो डी एफ डॉट कॉलम्स ऐसा चेक कर लिया, डी एफ डॉट कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स मिल जाएंगे आपको एक एरे फॉर्म में कि कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, उसका टाइप भी आपको पता चल जाएगा। इंडेक्स भी आप अगर देखोगे तो डी एफ डॉट इंडेक्स अगर फाइंड करोगे तो बताएगा कि इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है जीरो से स्टॉप हो रहा है फोर पर, और स्टेपिंग वैल्यू या इंटरवल आपको पता चल जाएगा। ठीक है चलो अब इसके बाद विल हैव वन टॉपिक, उसको कहते हैं हम सॉर्टिंग, सॉर्टिंग डेटा फ्रेम। चलो डीएफ को हमने देखा, अब डीएफ में मुझे दिख रहा है 4 5 6 4 ऐसा है। ठीक है और यहाँ पर ए बी सी डी जी और एक्स है। ठीक है तो अगर मुझे सॉर्ट करने वैल्यूज, ठीक है सॉर्ट करने तो कैसे सॉर्ट करूँगा, सॉर्टिंग करने के लिए आपको करना पड़ेगा डीएफ डॉट सॉर्ट द वैल्यूज, सिंपल सा तो कोड है सॉर्ट वैल्यूज। अब आपको बताना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंगली आपको सॉर्ट करने हैं, तो आपने लिखा बाय इक्वल्स टू कॉलम टू, तो क्या होगा कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, 1 4 2 3 हो गया, देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो कॉलम टू जो है वो 4 4 5 5 और 6 आया ए बी सी और ये, तो क्या हो गया जो रो है वो अपवर्ड चला गया बाय आपने दिया कॉलम टू। ठीक है इन प्लेस बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पर, फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता है, तो आप ट्रू कर दोगे तो एकदम कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. तो कॉलम टू, कॉलम टू दे दिया जैसे। ठीक है इसके बाद क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं देखो, df डॉट सॉर्ट में शिफ्ट टैब प्रेस करना कोई भी फंक्शन पे आपको आ जाएगा, असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू दिया है। ठीक है असेंडिंग को आप फॉल्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अभी चेंजेस आ जाएंगे, अपने यहाँ लिख दिया असेंडिंग, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट, हमने लिख दिया फॉल्स, और बाय कॉलम वन कर दिया, तो अभी सारे के सारे उल्टे हो जाएंगे, ये देखो 4 3 2 1 बात। अभी तुम्हारे डेटा फ्रेम में नल वैल्यूज हैं कि नहीं है कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डॉट नैन करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है नल वैल्यूज हैं कि नहीं अभी तक तो सिर्फ चेक कर लेते हैं, कल फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो df डॉट इज नल चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कोई नल वैल्यूज है कि नहीं, तो सारे के सारे फॉल्स हैं, मतलब एक भी नल वैल्यूज नहीं है इसमें। नल वैल्यूज होंगे तो कैसे उनको वर्क करना है ये भी देखेंगे हम। समझाई बात, ठीक है तो ये सारी चीज़ें कल देखेंगे कि कैसे हायरार्की क्रिएट करते हैं और कैसे उस पर आगे वर्क करते हैं। ठीक है कोई डाउट?